अब खबर आपको हरियाणा से बताते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेवात के नूह में करीब 700 करोड़ रुपए की योजनाओं की बड़ी घोषणा कर दी है। इस पर हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की, आप उसको देखिए। मेवात को मुख्यमंत्री की मनोहर सौगात, नूह में सीएम ने की ताबड़तोड़ घोषणाएं, जिले में बनेंगे सीएससी पीएससी सब सेंटर्स, इलाज के लिए नहीं भटकना पड़ेगा दर दर। मेवात के नूह में बड़कली चौक पर प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और नूह जिले के लिए ताबड़तोड़ घोषणाएं कर डाली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अल आफिया सामान्य अस्पताल पांडिखेड़ा को अब 100 बेड से 200 बेड का किया जाएगा और इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। सीएम ने घोषणा की कि जिले में सीएचसी पीएचसी और सब सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। सीएम ने सड़क सुविधाओं के लिए कुछ खास घोषणाएं की और कहा कि अब 150 करोड़ रुपए की लागत से जिले की सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा और इसी के साथ साथ कम्युनिटी सेंटर इत्यादि का काम भी किया जाएगा। अलमाफिया जिला अस्पताल, ये अलमाफिया जिला अस्पताल अभी 100 बेड का है, इसको अलमाफिया यानी मांडीखेड़ा, वही ना, मांडीखेड़ा का जो जिला अस्पताल है उसको 100 यानी बेड की बजाय 200 बेड बनाने की घोषणा करता हूं मित्रों। अकेले इसके ऊपर 100 करोड़ से ज्यादा खर्चा आएगा, अकेले इसके ऊपर 100 करोड़ से ज्यादा आएगा। फिर यहां पर कुछ गांव के अंदर कस्बों में सब सेंटर पीएचसी सीएचसी इनकी भी जरूरत महसूस की गई है। हमने डिपार्टमेंट को ये कहा है कि वो एक बार इसका सर्वे कराएं, एग्जामिन कराएं और एग्जामिन करा करके जहां जितनी आवश्यकता है उसको मंजूरी दे करके और अगले 6 महीने में, क्योंकि ये साल हमारा इन कामों का ही दिन है, इन कामों के लिए और वो आगे बढ़ाएंगे काम को, आपको पूरा लाभ होगा। विशेष तौर पर आज मैं स्वागत करता हूं ऐसे सब लोगों का भी जो इस नूह के इलाके के अलावा भी हरियाणा के अन्य इलाकों से और जो मुझे जानकारी दी गई है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना, इन प्रदेशों से भी आज लोग आए हैं सैकड़ों की संख्या में। मैं उनका भी हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते से बाहर से आए लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत उनका भी स्वागत करता हूं। और आज जो मेवात में इतने उत्साह से सब लोग इकट्ठे हुए, इसके अंदर मैं सबको बहुत बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जैसे मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं, आप भी मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होने की एक ताकीद करें, एक संकल्प लें, एक इरादा रखें और उस इरादे से जो काम आज तक जितने हुए हैं और डबल दुगनी गति से आगे काम करने का मैं संकल्प लेता हूं और हम सब लोग मिल करके नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूत करने के लिए आने वाले 2 महीने के बाद एक मौका है। नरेंद्र मोदी जी के साथ हम खड़े हैं, ये मेवात जिले के लोग भी दिखा दें कि मोदी हमारा नेता है। नूह में ताबड़तोड़ घोषणाएं की और अस्पताल के विस्तारीकरण की भी बात कही। मांडीखेड़ा अस्पताल को अब 200 बेड का किया जाएगा। सीएससी पीएचसी और सब सेंटर्स का भी ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। 150 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का कायाकल्प होगा। ग्राम पंचायत नगीना के लिए 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। एच के आर एन पोर्टल से युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। एक बटन से करीब 1504 युवाओं को रोजगार की बात भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। हमारे बच्चों को रोजगार मिले और रोजगार के नाते खास करके पढ़ाई में हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ें। एक बात ध्यान में आती है कि हमारे बच्चे, उनको पढ़ाने वाले अध्यापक, उनकी संख्या कम है। तो मैं आज अपने डिपार्टमेंट को कहा कि मुझे मंच के ऊपर आज ये लोगों को बताना है कि यहाँ जितने अध्यापकों की कमी है, उन अध्यापकों को जो खास करके मेवात जिले के होने चाहिए, उन्हीं का चयन करके और एच के आर में उनको डिप्लॉयमेंट दो, ताकि 2 दिन 3 दिन। तो मैं विभाग के लोगों को कहूंगा कि आज 1400 लोगों को और जो उनकी भर्ती है, इसी समय बटन दबाओ और हो सकता है उनको, जो यहाँ बच्चे होंगे या घरों में बैठे होंगे, उनको संदेश जाएगा टेलीफोन के ऊपर कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आगे 3 दिन में 4 दिन में आप ज्वाइन करेंगे, आप चालू करिए इस कार्यक्रम को।
1504 नौकरियां आज दी जा रही हैं मित्रों, आज 1504, 1 2 3 5, थोड़ा स्पीड करेंगे और उसके बाद सबको संदेश पहुंच जाएगा। 12 13, अब ये स्पीड जो चल रही है एक आधे घंटे में सब 1500 लोगों को संदेश पहुंचाएगा, मेरे भाषण देते देते पहुंच जाएगा, इसलिए शुरुआत कर दी है। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अलवी समाज के लिए पिनगवा में 50 लाख रुपए की लागत से भवन बनाया जाएगा, मंदिर रखरखाव के लिए योजना बनाई जाएगी, वाल्मीकि मिरासी इत्यादि समाज के लिए 1,40,00,000 रुपए की लागत से बारात घर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा नए तालाब के सौंदर्यीकरण पर, जिसमें 33 तालाब शामिल हैं, उन पर 64 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी और ऊर्जा पर 18 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गुड़गांव केनाल इत्यादि सिंचाई विभाग के लिए 7 कामों पर 43 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की जाएगी। ग्राम गुलालता, खेड़ती, जीता, कैरा, इसमें भी जो सबमर्सिबल वाटर पंप और सौर ऊर्जा को चलाने के लिए वहां की डिमांड अलग से आई हुई है, 8 करोड़ रुपया, यानी सौर ऊर्जा सूर्य से बिजली ले लें, इसके लिए कुल 18 करोड़ रुपया, और इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। फिर गुड़गावा नहर, राजस्थान लिंक नहर के साथ उथले पुथले ट्यूबवेल की एक बात आई है, बीआर पुल निर्माण का बादली से जाख तक ये उजिना ड्रेन पर पुल का निर्माण है। फिर एक और डीआर पुल चौड़ीकरण पुनाना से जुरेरा है। फिर कालंजर का पुनर्वास है। फिर उलेटा डिस्टिलरी का पुनर्वास है। गुड़गावा नहर का हेड रेगुलेटर, इसका पुनर्निर्माण है। राजस्थान लिंक नहर का वीआर ब्रिज प्रस्तावना, गुड़गावा नहर का आरडी से इतना ये एक ब्रिज है। उजिना डायवर्जन ड्रेन, इसका ब्रिज है। उजिना डायवर्जन के लिए एक अलग से कोई काम, ऐसे कुल मिलाकर के ये 7 काम हैं, ऐसे इनके लिए 43 करोड़ रुपया ये अलग से मंजूर किया जाता है। तो मित्रों, इरिगेशन में 18 और 43 61 करोड़ रुपया, और ये सिंचाई के लिए, जिसके कारण से खेतों को, किसानों को ये बहुत बड़ा लाभ ये होने वाला है। नए तालाब, इनका सौंदर्यकरण, हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि हमें इसमें 33 तालाब, इनकी जो लिस्ट है वो उपलब्ध कराएंगे, और उस 33 तालाब के अंदर हर एक विधानसभा क्षेत्र में ये बराबर बराबर करेंगे। 64 करोड़ रुपया तालाबों के पुनर्स्थापन के लिए, उनके सौंदर्यकरण के लिए, इसको भी मैं मंजूर करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में सैम प्रभावित जमीन की समस्या को दूर करने के लिए 18 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, जिस पर 2 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत राजा हसन खान मेवाती के बलिदान दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह को बड़कली चौक पर संबोधित करने के लिए आए थे। मुख्यमंत्री ने जिले की 3 उपमंडल स्तरीय बार एसोसिएशन के लिए 5-5 लाख रुपए और जिला मेवात बार एसोसिएशन के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा भी की। कुछ और चीजें जिनकी मैं आज घोषणा करना चाहता हूं, उसके अंदर खास करके हमारा जो खेती के काम करने वाले लोग हैं, उसमें मुझे बताया गया है कि कुछ इलाके में सेम बहुत ज्यादा है। सेम का पहले से हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में और भी गांव जोड़ेंगे, तो इसके अंदर आज मैं घोषणा करता हूं कि 18 ट्यूबवेल, कुछ गांव के नाम मेरे पास आए हैं, 18 नए ट्यूबवेल, ये जो सेम की समस्या उसको खत्म करने के लिए, और लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि इस सेम के ट्यूबवेल को, सेम को खत्म करने के लिए लगाया जाएगा। नू के अंदर हमारा जो पशुपालन विभाग है, अस्पतालों की कमी है, तो एक पशु पॉली क्लिनिक, इसकी स्थापना कराई जाएगी, और पशु पॉली क्लिनिक जिसके अंदर किसी प्रकार की पशुओं की बीमारी उसका इलाज करेंगे, इसके लिए 10 करोड़ रुपया ये मैं मंजूर करता हूं। भाइयों बहनों, ऐसे हमारा जो इरिगेशन का विभाग है, यानी सिंचाई का विभाग है, सिंचाई के विभाग में भी इंड्री ब्लॉक के अंदर हमारा जो नहर आधारित और सौर ऊर्जा संचालित जो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं, इसके लिए भी 10 करोड़ रुपया वहां के लिए मंजूर किया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति अनावरण गांधीग्राम घासेड़ा में भी किया, तो राजा शहीद हसन खान मेवाती की मूर्ति का अनावरण बड़कली चौक पर किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
लोकसभा चुनाव का डंका बजने से पहले मेवातियों का दिल जीतने की भरसक कोशिश की। इस मेवात को विकास करने के नाते, मेवात को सम्मान देने के नाते, मेवातियों को सम्मान देने के नाते आज जो हमने कार्यक्रम किया है, शहीद राजा मेवाती, राजा हसन खान मेवाती, इनके नाम से और हम लोग आगे जो बढ़ रहे हैं, इस नाम को आगे बढ़ाए रखने के लिए कई योजनाएं और भी हमने दी है। उसमें एक पहला काम तुमने किया कि इसी इलाके के कुछ लोग मिल करके और एक समिति बनाएं और उस समिति का नाम होगा शहीद राजा हसन खान मेवाती स्मारक समिति, ताकि वो इस प्रकार के कामों को आगे बढ़ाते रहें। और मैंने यहाँ इलाके के लोगों को कहा कि मुझको आज 5 नाम आप दे दो, ताकि वो 5 नाम आगे और लोगों को भी जोड़ते जाएं। इस दौरान सीएम ने लोगों से कुछ आग्रह भी किया, इसकी जानकारी भी आपको देते हैं। सीएम ने कहा कि बिजली के बिल आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भरें, आप एक हाथ आगे बढ़ाएंगे तो सरकार 10 हाथ आगे बढ़ाएगी। मुझे एक अपील भी करनी है आपसे, और वो अपील क्या है, सारे हरियाणा में बिजली के 24 घंटे 5,900 गांवों को बिजली मिलती है 24 घंटे। हमने कहा नू में भी जल्दी करिए बिजली 24 घंटे पहुंचाए। हमारे डिपार्टमेंट ने तो काम सारे कर दिए, मीटर बाहर निकाल लेते निकाल दिए, लाइनें बदलनी थी लाइनें बदल दी, बहुत सारे जो हमारी लाइनें ढीली थी नई लाइनें ऊंचे उठाना सब काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनाया। लेकिन बड़ा कष्ट है मुझे कि बिजली के बिल जिस प्रकार से भरने चाहिए इस इलाके में, वो अभी नहीं भरते हैं, अभी भरते नहीं हैं। यहाँ के जितने भी 66 हमारे फीडर हैं, इसमें से कुछ फीडर तो ऐसे हैं जो 70% से भी ज्यादा जहां लाइन लॉस है। लाइन लॉस मतलब हम बिजली फूंकते हैं, बिल नहीं भरते हैं। देखिए, जब सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना है तो सरकार खूब आगे आएगी, लेकिन एक आध कदम हमको भी आगे बढ़ाना है। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, सरकार 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मित्रों, 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार। ऐसे ही 41 फीडर ऐसे हैं जहां 50 से लेकर 70% लाइन लॉस है। मेरा तो निवेदन यह है कि आप समय पर हर महीने थोड़ा थोड़ा, हमने पिछले सारे माफ कर दिए हैं, केवल एक साल का बिल भरना है, चाहे 10 साल के बाकी हो तो भी 9 साल के माफ, सिर्फ एक साल का भरना है। मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो, मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो, बिजली का बिल भरने के लिए तैयार हो। मैं आपसे बिजली का बिल मांगता हूं, जो इसके ऊपर अमल करेगा वो जरा हाथ खड़ा कर दो। इस अवसर पर पुस्तक का विमोचन भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नई योजना की शुरुआत की गई है। बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रहने वाली छात्राओं और आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी इस बाबत सम्मानित किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कुछ और भी बड़ी घोषणाएं की है। गांधीग्राम घासेड़ा में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की। कहा कि जिले के 7 राजीव गांधी खेल परिसरों में गतिविधियां जल्द ही शुरू होने वाली है। इसके अलावा नूह के विकास में लगभग 5,000 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं, ये भी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। हमारे से कोई आकर के ये कहे कि हमको ये जरूरत है, ये दे जाओ, ये ले जाओ, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हमने अपने आप जाकर के देखा कि हाँ वास्तव में जरूरत है, तो उसी समय दे करके आ गए। मांग के हिसाब से नहीं, जरूरत के हिसाब से, जहां जितनी जरूरत हमें देना चाहिए, हमको कोई इस बात की फिक्र नहीं होती कि इस इलाके ने हमारा एमएलए दिया कि नहीं दिया। आज भी जब प्रातःकाल मैं घासेड़ा गांव में गया, उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी। मैंने ही पूछा कि आखिर यहां के नौजवान, मेवात के नौजवानों को खेल जो है बहुत ऐसी चीज होती है जो अच्छे रास्ते पर नौजवानों को ले जाता है। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास जमीन है? कहने लगे हाँ 8 एकड़ जमीन हमारे पास है। मैंने कहा ठीक है, एक खेल का स्टेडियम हम आपके लिए मंजूर करते हैं। कोई उन्होंने मांग नहीं की। तो इस तरह से सीएम मनोहर लाल ने नूह को कई बड़ी सौगात दी। मनोहर तोहफों में महिलाओं का ध्यान रखा गया है, खासकर युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं करते हुए सीएम मनोहर लाल नजर आए। ये महज घोषणाएं ही नहीं थी, सीएम ने सभी घोषणाओं को धरातल पर अब तक उतारा है और आने वाले समय में जो बची हुई घोषणाएं हैं, उन पर भी जल्द ही काम शुरू होता हुआ नजर आएगा।
और लोगों की भलाई के लिए इसी तरह से सीएम मनोहर लाल लगातार काम कर रहे हैं ताकि शहर गांव कस्बों तक का विकास हो सके और यहां के बच्चों को असुविधा के चलते बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। भाट 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।